distance learning course, we are going to cover each and every subject of your class 10 board examination. And dear students, myself Abhishek Kalo, I am going to teach you physics. And आज के क्लास में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 30 मिनट का आप मुझे टाइम दो. कम से कम हम लोग 4 से 5 मिनट का काम करेंगे. कम से कम 4 to 5 मार्क का हमारा वर्क होगा. आप लोग पेशेंस के साथ नेक्स्ट 30 मिनट तक बने रहो. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सेशन की बात करूँ, सेशन 2021 की, तो एक दो अच्छी बातें आपके साथ. फर्स्ट अच्छी बात ये है कि आपकी सिलेबस 30% रिमूव हो चुकी है. और सेकेंड अच्छी बात यह है कि अभी भी हमारे पास 1 मंथ की टाइम है. अभी भी हमारे पास 1 मंथ की टाइम है. और इस पूरे 1 मंथ के टाइम को हम लोग बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे रोल बड़ी. और आप इस बात की उम्मीद ही नहीं, पूरी तरह से विश्वास रखो कि इस 1 महीने का जो हमारा ये सफर है, इस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस 1 मंथ, आपको ये महसूस होगा कि अब आप नियरली 90% के आसपास स्कोर करने के लिए तैयार हो. 90% के आसपास स्कोर करने के लिए तैयार हो. तो बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर. इसमें क्या कुछ चीजें मिलेंगी, मैं आपको सीधा स्टार्ट करने जा रहा हूँ. ऑप्टिक्स, आपका ये क्लास 10 का सिलेबस 2 पार्ट में मेनली डिवाइडेड है. कार्य बच्चों, फर्स्ट सेक्शन हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, दैट मींस नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. वी हैव टू स्टडी अबाउट द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स कंटिन्यू द क्लास. हमारा दो सेगमेंट है इस फिजिक्स में. हमारा दो सेगमेंट होगा. पहला सेगमेंट होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स और दूसरी सेगमेंट होगी हमारी ऑप्टिक्स. प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बस मात्र दो चीजों के बारे में हमें जानना है. एक हमें चार्ज के बारे में जानना है और दूसरी हमें लाइट के बारे में जाननी है. अल्टीमेटली इन दोनों चीजों के बारे में जब हम बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लास 10 की ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार होंगे. प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन कर पाओगे. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑप्टिक्स. प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यह आता है, व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स है क्या? देन ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. सॉरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट लाइट. लाइट के बारे में जब कुछ भी आपको पढ़ना हो, लाइट से रिलेटेड किसी भी तरह की फिनोमेना आपको स्टडी करनी हो, तो मैं ये बोल रहा हूं प्यारे बच्चों कि जब हमें लाइट से रिलेटेड कुछ भी स्टडी करना हो, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स. लाइट के बारे में जब हमें कुछ भी पढ़ना होता है, तो हम ऑप्टिक्स के सेगमेंट में रखते हैं. प्यारे बच्चों, ऐसा है ना कि मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डील करूंगा, ठीक है? तो बहुत ज्यादा डेफिनेशंस वगैरह नहीं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं, हम लोग मेनली उन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे. तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग ये देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट सेगमेंट होगा, सेकेंड सेगमेंट होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये सेकेंड सेगमेंट होगी हमारी. थर्ड सेगमेंट हमारी जो होगी प्यारे बच्चों, थर्ड विल बी डिस्पर्सन से रिलेटेड कुछ बातें होंगी हमारी. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, इन तीन चीजों से मिलकर के हमारा ये ऑप्टिक्स का सिलेबस बना हुआ है जो क्लास 10 का है. इसे हम कंप्लीटली कवर करेंगे. अब सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? बस एकदम छोटा सा पॉइंट है. रिफ्लेक्शन की जब बात होती है, जैसे एक एग्जांपल में छोटा सा आपको देता हूं. सपोज क्या हुआ ना कि एक छोटा बच्चा है, वो सुबह उठता है और सुबह उठ करके जाता है मम्मी के पास. मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे आप 5 रुपए दो, हमें थोड़ा बिंगो टेबल में लिखाना है, ठीक है ना? और जैसे ही वो मम्मी के पास जाता है, तो मम्मी बोलती है, देखो पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जाकर के पापा से मांग लो. अब क्या हो रहा है ना कि ये जो छोटा बच्चा है, जो अपने मदर से फादर के पास जा रहा है और फादर से 5 रुपीज का डिमांड कर रहा है. अभी क्या है कि सुबह सुबह उनसे उसके फादर ने एक ऐसी न्यूज पढ़ी जिसके कारण वो बेचारे थोड़े परेशान हो गए. अब यहाँ पे ये इसके फादर परेशान है और इसने 5 रुपीज का डिमांड करा. अब इस बच्चे ने क्या, इस बच्चे ने 5 रुपीज का डिमांड करा. अब इसके पिताजी ने क्या करा, इसे 2 थप्पड़ लगा दिया. अब जैसे इसने 2 थप्पड़ लगाया था, ये बेचारा लौट करके मम्मी के पास आया और मम्मी को बोला, अब तुम खुश हो गए ना, यही चाह रही थी ना. This is known as reflection of light. जब भी आपको reflection की बात हो प्यारे बच्चों, आपको सीधी सी बात यही बोलनी है कि ray of light goes from one medium to another opaque medium. जब कोई भी ray of light transparent से opaque medium में जा रहा होता है, opaque medium से टकराने के बाद जब वो same medium में return हो रहा होता है, this is known as reflection of light. प्यारे बच्चों, reflection में किसी कोई doubt है क्या? अगर आपसे कोई पूछता है, what is reflection, will you all able to define? सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, सीधा सा concept है. जब कोई भी ray of light एक medium से दूसरे ओपेक मीडियम पे स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के बाद अगर वो सेम मीडियम में रिटर्न कर रहा है, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे. कहीं कोई दिक्कत?
रिस्पॉन्ड प्लीज, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू रिस्पॉन्ड। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो है रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। देयर आर सम लॉज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, देयर आर सम लॉज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन डिस्कस करते हैं हम लोग। मैं थोड़ा डायग्राम्स वगैरह, हाँ मैं ये बोल रहा था ना कि हम लोग, मैं ज्यादा पीपीटी वगैरह यूज नहीं करूंगा, कहानी के रूप में हम लोग पूरे पूरे फिजिक्स को समझने का प्रयास करेंगे स्टोरीज के रूप में। अब चलो रिफ्लेक्शन की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के दो लॉज है प्यारे बच्चों। फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब तीन नए टर्म्स हैं, व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज नॉर्मल। तो सबसे पहले इन सारी इन तीनों चीजों को समझते हैं। पहले बच्चों, वो छोटा सा बच्चा जो पापा के पास गया था, दैट वाज इंसिडेंट रे। पापा के पास जाने के बाद जब उसे थप्पड़ लगा, दैट वाज रिफ्लेक्टेड रे। और क्या है, इन दोनों के बीच का जो मीडियम है, इन दोनों के बीच का जो मीडियम है, इसके बीच में जिस सर्फेस पे ये स्ट्राइक करा था, ये रे ऑफ लाइट, उसके साथ अगर मैं 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, देन इट इज नॉर्मल। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल। आपसे अगर कोई पूछता है इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है और नॉर्मल क्या है, सिंपली देन सिंपली यू हैव टू से दैट रे व्हिच स्ट्राइक ऑन द मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, दैट रे दैट रिटर्न्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द मिरर, दैट विल बी नॉर्मल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की जब बात हो तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, आपके इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की जो एंगल हो रही है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे एंड सॉरी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच की जो एंगल है, वो हमारी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई विल बी इक्वल्स टू आर, ये हमारा लॉ है। सेकंड ये हमारा सेकंड लॉ बोलता है रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, ऐसा है कि आई इक्वल्स टू आर, अभी हमने जस्ट इंफॉर्मेशन ये जाना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लास 12th के फिजिक्स में आपकी ऑप्टिक्स, फिर क्लास 12th में आपको ऑप्टिक्स फिर मिलना है, जहां पे हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि आई आर इक्वल कैसे होता है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑप्टिक्स, हम लोग ऑप्टिक्स का जो सेगमेंट पढ़ रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसके बाद हमें मिलेगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स के हेल्प से, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस हेल्प से हम फिर आगे स्टडी करेंगे, प्रूफ करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल क्यों और कैसे होता है। खैर वो बात की बातें हैं, अगर हमसे बात की जाए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, देन सिंपली आई हैव टू से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाइन इन द सेम प्लेन। एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? प्यारे बच्चों, यहां पे क्लियर है कांसेप्ट? किसी को कोई दिक्कत है बोले जल्दी, आगे डिस्कशन करिए। ओके चलो प्यारे बच्चों, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा आएगा नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है, उसकी नेचर और प्रॉपर्टी क्या होगी। लेकिन प्लेन मिरर को जानने से पहले हमें यह जानना होगा व्हाट इज मिरर, मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर तो ठीक है, देखो मिरर क्या है ना, इस वर्ल्ड की जितनी भी स्मूथ शाइनी और हाईली पॉलिश्ड सर्फेसेस है ना, जितनी चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो, आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक डॉग था जो एक कैनल के पास से जा रहा था, उसके माउथ में एक बोन था, एक पीस ऑफ बोन था। सडनली उसने ये देखा कि वाटर में एक वो जो पॉन्ड है या कैनल है, उसमें एक और डॉग है, उसके माउथ में भी बोन है, ठीक है ना, उसके माउथ में भी बोन है। तो उसने भौंकना शुरू किया और उसने क्या सोचा कि मैं दूसरे वाले डॉग को डरा करके उसकी हड्डी मैं खुद ले लूंगा। अब जैसे उसने भौंकना शुरू किया, फिर क्या हुआ, उसके माउथ का बोन नीचे गिर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तब उसे ये फील हुआ महसूस हुआ कि नीचे जो डॉग दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही एक इमेज है। मतलब वाटर भी मिरर के सर्फेस की तरह वर्क कर सकता है। इस एग्जांपल से हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि वाटर भी मिरर के सर्फेस की तरह काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि मिरर हमेशा केवल ग्लास का बना हुआ हो, इस वर्ल्ड की जितने भी स्मूथ शाइनी और हाईली पॉलिश सर्फेसेस होंगी, सारा हमारा मिरर के तरह। अगर आपसे कोई बोलता है मिरर को डिफाइन करने के लिए, देन सिंपली यू हैव टू से ऑल स्मूथ शाइनी एंड हाईली पॉलिश सर्फेसेस आर नोन एज मिरर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिरर को हम लोग अपनी क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। जब प्लेन मिरर की बात करें तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हम लोग उस सर्फेस को बोलते हैं जिस पे लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जिस सर्फेस पे जैसे अभी क्या है कि अभी रे ऑफ लाइट यहां से आई, अभी रे ऑफ लाइट यहां से आई और इसने इस बोर्ड पे स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद अभी रिटर्न हुआ, ये व्हाइट बोर्ड हमारा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के तरह वर्क कर रहा है। देन वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस प्लेन हो, दैट इज नोन एज प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर हम लोग वैसे मिरर को बोलेंगे हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। बी केयरफुल, लेंस और मिरर, यहाँ पे कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मिरर इज अ पार्ट ऑफ
तो मिरर जो हमारा पार्ट होता है वो किसका होता है, मिरर हमारा पार्ट होता है हॉलो स्फीयर का। आप लोग ध्यान रखेंगे चाहे तो आप लोग नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। और लेंस जो होती है हमारी, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये हमारा सॉलिड स्फीयर का होता है, ये हमारा हॉलो स्फीयर का होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे ये डिस्कस करता हूं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर हम लोग वैसे में मिरर बोलेंगे, अ मिरर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। अब सपोज ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर जैसे आपने एक्वेरियम देखा होगा, स्फेरिकल एक्वेरियम। अब सपोज ये स्फेरिकल एक्वेरियम है, ठीक है ना, शीशे का बना हुआ है। अभी मैंने सिंपली यहां से लेकर के इसे कट कर दिया और कट करके हमने क्या करा, इसे यहां पे मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है ना। अब हमने यहां पे पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद आप देखो तो ये जो है, ये जो एक शेप जो मिरर बना हुआ दिख रहा है, ये इस कहीं ना कहीं इस स्फीयर का पार्ट है। और ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। और मिरर दैट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दैट इज इट इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ये है प्यारे बच्चों कि व्हाट आर द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बने हुए इमेज की प्रॉपर्टी और नेचर क्या होगी, 5 पॉइंट्स में बताऊंगा। और मैं प्यारे बच्चों इसको आप लोग समझ लो और चाहो तो कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये हमारी प्लेन मिरर है, इसका डायरेक्शन भी है, इसकी डायरेक्शन भी, लेकिन आज अभी चूंकि ये क्लासेस हमारी 1 मंथ की है इसलिए डायरेक्शन का कहीं हम लोग के पास टाइम नहीं है। ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। जब प्यारे बच्चों हम लोग बात करें प्लेन मिरर की ना, जब हम लोग बात करें प्लेन मिरर की ना, तो प्लेन मिरर हम लोग वैसे मिरर को बोलेंगे इसका स्फेरिकल सरफेस क्या हो, प्लेन हो। प्लेन होने का मतलब जो किसी एक्स वाई एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई, वाई डैश, ये किसी एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो, वैसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है ना। वैसे मिरर को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, प्लेन मिरर। ये हमारी प्लेन मिरर होगी। अब क्या है ना, अब हमें प्रॉपर्टी देखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कुछ मैं कीवर्ड्स आपको दे रहा हूं, हमेशा ध्यान रखोगे इन्हें। पहली बात, पूरे ऑप्टिक्स में अब हमेशा याद रखो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो प्रिज्म हो, कहीं की भी बातें हो, ये कीवर्ड्स आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दुनिया में कहीं भी अगर इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रहा हो, VIRTUAL, तो वर्चुअल इमेजेस हमेशा क्या होंगे, इरेक्ट होंगे। वर्चुअल इमेजेस शिवम, वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होंगे, इसको इस तरह से समझना है। जैसे मान लो कि तुम्हारे साथ वर्चुअल मींस व्हाट, इमेजिनरी, तुमने ये इमेजिनेशन करा कि बराक ओबामा साहब आपके साथ बैठ कर डिनर कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। ये एक्चुअल इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन वाली जो बातें होती है ना, वो बड़ी सीधी सारी लगती है। लेकिन हुआ क्या, अभी तुम ये इमेजिन कर रहे थे, जस्ट तुम ये इमेजिन कर ही रहे थे कि बराक ओबामा साहब तुम्हारे साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं, तब तक क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी ने 2 थप्पड़ लगाया और बोला कि जो खाना रखा हुआ है जल्दी फिनिश करो, खाना बर्बाद नहीं करना है। दैट इज नोन एज रियलिटी। तो जो भी रियल इमेजेस होंगे ना वो हमेशा क्या होंगे, इन्वर्टेड, उल्टा। तुम्हें उल्टा लग गया, क्या मम्मी आप क्या करते रहते हो, अब बेटा क्लास 10th में चला गया, मैट्रिक एग्जाम देने वाला है, आप मारपीट करते रहते हो। तो ये क्या है ना, दुनिया में जब भी ऑप्टिक्स की बात करें ना, क्लास 10th के इंटायर सिलेबस में जहां भी इमेजेस वर्चुअल होंगे, हमेशा ध्यान रखो, कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, कहीं भी कुछ भी हो, वर्चुअल इमेजेस विल बी ऑलवेज डायरेक्ट एंड रियल इमेजेस विल बी ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। ये 2 वर्ड हमेशा ध्यान रखना। अब मैं फिर से आता हूं अपने टॉपिक में। हमारा पॉइंट ये था कि नेचर ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे ही ये वर्ड वर्चुअल आ गया, ये हमेशा इरेक्ट होना। सेकंड पॉइंट, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म बाय। अच्छा, प्लेन मिरर आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में देखा है क्या, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं ना, वो प्लेन मिरर एक्चुअली हमें वहां पर प्लेन मिरर की जगह यूज करना होता है कॉन्केव मिरर। बट हम लोग डेली लाइफ में मेकअप पर्पज से या बात करो सेविंग पर्पज से जो मिरर यूज कर रहे होते हैं अपने घरों में, वो प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो इमेज बनेंगे ना उसकी साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर विल बी ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे देख लो यार, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक मिरर है, हमने ये ऑब्जेक्ट रखी एच हाइट की। तो होनी क्या है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारी क्या होनी है कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होनी है ना, इसकी हाइट क्या हो जानी है, इसकी हाइट भी यहाँ पे एकदम इसकी इक्वल होनी है। ये अगर हमारी एच की है तो इस इमेज की हाइट भी हमारी क्या होनी है, एच हो जानी है। ये हमारी इमेज फॉर्म होगी। अच्छा, ये सारे लोगों को व्हाइट बोर्ड को क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, कोई नहीं, दिख रहा है।
ठीक है ठीक है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी हुई। सेकंड प्रॉपर्टी, हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, ये हाइट इक्वल हो जानी है। प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेजेस बने होंगे, ऑल द इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर विल बी इक्वल इन हाइट। सेकंड पॉइंट हमारी होगी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की जब हम बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारी क्या है, ध्यान रखो, मिरर से ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, मिरर से ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, ये हमेशा इक्वल होगा किसके, मिरर से इमेज के डिस्टेंस के। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर विल बी ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, अभी ध्यान में रख लो, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज के डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई एच ओ हाइट ऑफ इमेज, ये हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हाइट ऑफ इमेज, एंड एच ओ इज इक्वल टू एच आई। हमने थर्ड, हमने थ्री पॉइंट कवर कर लिए हैं इसके नेचर के। फोर्थ पॉइंट में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, फोर्थ पॉइंट हमारी ये होगी ना कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपसे फिनोमेना पूछा जाता है, व्हाट इज लेटरल इन्वर्सन, लेटरल इन्वर्सन क्या, इसको डिस्कस करने के बाद फिर मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखो प्यारे बच्चों क्या है ना, कि आपसे जब बोली जा रहा है कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब ये है कि जब आप लेटरली इन्वर्टेड का, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के राइट पार्ट को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आपको अगर ये अपीयर हो रहा है इसमें डिस्टर्बेंस लेफ्ट पार्ट की हो रही है, और अगर आप लेफ्ट पार्ट को डिस्टर्ब कर रहे हो और आप ये आपको ये अपीयर हो रहा है कि राइट पार्ट डिस्टर्ब हो रही है, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्सन। इफ एनीबॉडी आस्क्स यू व्हाट इज लेटरल इन्वर्सन, देन सिंपली यू कैन से इफ वी डिस्टर्ब राइट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड इट अपीयर्स टू बी डिस्टर्बेंस इन द लेफ्ट पार्ट, दिस फेनोमेना इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, लेटरल इन्वर्सन। जैसे आपने एम्बुलेंस पे देखा होगा, एम्बुलेंस एक्चुअली लिखा ऐसा होना चाहिए ए एम बी यू एल ए एन सी, लेकिन ऐसा ना लिख करके लिखा होता है कुछ ऐसा ई सी एन ए एल यू बी एम ए, ये ऐसा एक्चुअली लिखा होता है, ये ऐसा ऐसा क्यों लिखा होता है, ऐसा इसलिए लिखा होता है कि जब ये हाँ ये ऐसा इसलिए लिखा होता है कि जब इसकी इमेज फॉर्म होना, तो इमेज फॉर्म होने के बाद ये ऐसा लिखो, जब इसकी ये जब इस तरह लिखा होगा ना, और जब इसकी इमेज फॉर्म होगी तो ये लेटरली इन्वर्ट होकर के ऐसा दिखेगा, और अगर ये ऐसा लिखा हुआ तो लेटरली इन्वर्ट होकर के ऐसा दिखेगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस को इस तरह एम्बुलेंस इस तरह लिखा होता है। तो वही बात है प्यारे बच्चों, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर विल बी लेटरली इन्वर्टेड। ये हमारी फोर्थ पॉइंट थी। फर्स्ट पॉइंट हमारी क्या थी, फर्स्ट पॉइंट हमारी क्या थी, रिस्पॉन्ड करो सारे लोग एक बार, रिस्पॉन्ड करो यार, फर्स्ट पॉइंट हमारी क्या थी, फास्ट रिस्पॉन्ड करो। देखो फर्स्ट हमारी पॉइंट ये थी ना प्यारे बच्चों, कि इमेज जो इसके द्वारा फॉर्म हुआ ना, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। फर्स्ट पॉइंट वर्चुअल इरेक्ट, सेकंड पॉइंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी हाइट ऑफ इमेज, थर्ड पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, फोर्थ पॉइंट इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। कहीं कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, पूरा क्लियर है कौन से बताओ जल्दी, कहीं कोई दिक्कत एनीबॉडी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अगर स्पीड ठीक है तो कोई बात नहीं, जिनको दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं थोड़ा धीरे हो जा रहा हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया नेचर एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, चार पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो देखो प्यारे बच्चों ऐसा है ना कि बराक ओबामा का जो तुमने सपना देखा था ना उसके साथ डिनर करने का, इसको तुम रियलिटी में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम उतार नहीं सकते हो, ये आपकी लाइफ में ये रियल लाइफ में फील नहीं कर सकते हो, बट सारे लोग इसको फील नहीं कर सकते हैं, सारे लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। मैं वही बात बता रहा था आपको कि जैसे कहना बराक ओबामा के साथ तुम्हारा डिनर करने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन 99.9% लोगों का पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वही दुनिया में जितने भी इमेजेस जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे ना, उनको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, इट मीन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होंगे ना, उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये 5 points आप लिखोगे पॉइंट वाइज आपके एग्जाम में, डिटो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कार्य बच्चों। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये पूरी कोर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लेन मिरर का मैंने बताया, सीधे मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको कर्व मिरर में आपको सीधा मैं डिस्कस करूंगा नेचर ऑफ एंड इमेज।
इसलिए मैं एक दो ट्रिक्स टेक्निक बताऊंगा बस, उसे को स्टोरी दो तीन स्टोरीज में बताऊंगा, उन स्टोरीज को तुम ध्यान में रखो पूरी आपकी, ये आपको कोई मैग्निफाइड डिमिस्ड वर्चुअल इरेक्ट पोजीशन वोजिशन कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कोई बुक देखने की जरूरत नहीं, सीधा आपको इस स्टोरी को ध्यान में रखो, सारी चीजें पूरी क्लियर होंगी। ओके लेट्स सी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक बार हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। इस इन टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले इस स्फीयर को थोड़ा हम लोग बढ़िया से एनालिसिस करते हैं। आपने पढ़ा है क्लास स्टैंडर्ड 9 में भी आपने स्फीयर के बारे में पढ़ा हो और 10th में भी आपने इंसुलेशन में पढ़ा है स्फीयर के बारे में। प्यारे बच्चों चीजें कुछ ऐसी हैं ना, हां अगर मैं स्फीयर के बारे में बात करूं, अगर मैं स्फीयर के बारे में बात करूं तो प्यारे बच्चे स्फीयर में दो तीन टर्म्स होते हैं। फर्स्ट हमारा ये स्फीयर का जो सेंटर होता है इसे हम क्या बोलते हैं सेंटर, ये जो पॉइंट होती है जो एग्जैक्टली जहां से सारे डिस्टेंसेज इक्वल होते हैं इसे हम बोलते हैं सेंटर, ठीक है ना। ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, और ये जो डिस्टेंस होती है ना फ्रॉम सेंटर टू दिस स्फीयर दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, ठीक है ना। अब इसी चीज को फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं ना, ये जो सेंटर, चूंकि हमने आपको जस्ट बताया है कि आपका जो स्फेरिकल मिरर है, आपकी जो स्फेरिकल मिरर है ना, वो स्फेरिकल मिरर इज नथिंग बट इट इज ये क्या है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। अभी मैंने यहां से इसे कटिंग करा और कटिंग करके यहां से मैंने ये कर दिया। अब जब मैंने इसे यहां पॉलिश करा ना, एक बात वर्मा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी पॉलिशिंग किस चीज की होती है, तो हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों यहां पे हम लोग PBO लेड ऑक्साइड की पॉलिशिंग करते हैं और सिल्वर फॉइल की यहां पे कोटिंग करी जाती है, सिल्वर या एल्यूमिनियम फॉइल, याद रखना एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे, ठीक है। लेड ऑक्साइड की पेंटिंग होती है जो आप देखते हो ना मिरर के पीछे, शीशे के पीछे जो देखते हो मिरर जो ब्लू कलर ग्रीन कलर की पेंटेड है वो कोई सिंपल पेंटिंग होता है, वो लेड ऑक्साइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड और उसमें कोटिंग किसकी करी होती है, पेंटिंग लेड ऑक्साइड की, कोटिंग किसकी होती है सिल्वर या एल्यूमिनियम, ठीक है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखोगे। अब देखो क्या हुआ ना, मैंने इसे यहां से कट करके मैंने इसे पॉलिश कर दिया, Now it is actually जैसे मैंने कट करा वैसे ही, तो ये तो इस स्फीयर का पार्ट है ना, और अगर ये इस स्फीयर का पार्ट है तो इस मिरर को मैं क्या बोलूंगा, स्फेरिकल मिरर बोलूंगा, ऑब्वियसली स्फेरिकल मिरर बोलूंगा। अब स्फेरिकल मिरर के साथ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है कि मैं इसे इस साइड से पेंट करूं साइड ए से, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसे साइड बी से पेंट करूं। अगर मैं इसे साइड बी से पेंट करता हूं तो अब देखता हूं क्या होता है। ये हमने कट करा था, हमने इसे साइड बी से पेंट करा और कोटिंग करी इसकी। अब मैं देख रहा हूं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड आ गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड आ गया, इस पे लाइट स्ट्राइक करके कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। इस आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारा ये जो मिरर होता है ना स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, नंबर वन कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, नंबर वन कॉनकेव मिरर एंड नंबर टू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के साथ आपको बहुत ज्यादा इशू नहीं, पंगा नहीं होना है, बच्चे को कंफ्यूजन कहां पे होता है ना, कॉनकेव मिरर के साथ उसकी नेचर और उसकी इमेज की पोजीशन नेचर और साइज में होती है, ठीक है ना। तो एकदम 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा और बेटा ऐसा है कि इसके बाद तुम्हारी सारी चीजें पूरी क्लियर होने वाली है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। यहां से इस पॉइंट से आपका 3 से 4 नंबर का काम होने जा रहा है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में, तो सारे लोग एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ यहां पे ध्यान दीजिए। समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है सारी चीजें बुला रही है, क्या पढ़ा रहा है यार सामने वाला, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा ना, कुछ समझ में आ रहा है क्या,